नहीं आऊंगा मैं आपके घर में वापस, नहीं आऊंगा, कभी नहीं। अगर आप मेरे बगैर जी सकती हैं तो दुख हो रहा है तुम्हें यहां इस तरह अकेला देख के। बड़ी अजीब बात है ना, तुम श्वेता से पीछा छुड़ाना चाहते थे उर्वशी के लिए, ना श्वेता मिली ना उर्वशी, ऊपर से घर भी चला गया। आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है करण। तुमने अपने परिवार का व्यवहार तो देख लिया और सारी दुनिया जानती है प्रियंवदा देवी से दूर होकर जिसने भी भागवत से हाथ मिलाया है, भागवत उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तुम चाहो तो हमारी पार्टी ज्वाइन कर सकते हो, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए भी खुले। अगर हमारे परिवार के किसी भी सदस्य ने इनके साथ रिश्ता रखने की कोशिश की तो हम प्रियंवदा प्रताप सिंह उनके साथ रिश्ता तोड़ देंगे। हमारे पति स्वर्गीय वीर प्रताप सिंह का नाम भी वो अपने नाम के साथ नहीं जोड़ सकते। बाहर का रास्ता तो आप जानते हैं। जी, मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं। एक बार और सोचने की जरूरत तो नहीं है? मैंने जो सोचना था सोच लिया। ये हुई ना बात, आओ भागवत के सीने से लग जाओ। ये है हमारा घर करण बेटे, अपने आप को अकेला मत समझो, भागवत की पूरी पार्टी तुम्हारे साथ है। आज के बाद अब तुम भागवत के साथ रहोगे, भागवत के घर में भागवत के गेस्ट बनकर भागवत के गेस्ट रूम। देखो बेटे, ये दुनिया प्रियंवदा देवी के घर से शुरू होकर उन्हीं के घर में खत्म नहीं होती, ये बात समझ ठीक है। कल का अखबार हम ब्रेकफास्ट की टेबल पर एक साथ देखें। मदन जी साहब, साहब को इज्जत के साथ गेस्ट रूम में लेके जाओ। चलिए सर। गुड नाइट। भागवत जी, थैंक यू, गुड नाइट। आज भागवत के तरकश में वो तीर आ गया है जो प्रियंवदा देवी के राजनीतिक करियर में बर्बादी की आखिरी कील साबित होगा। अपने अपमान के कर्ज की पहली किश्त का भुगतान करने का वक्त आ गया।
कल सुबह आपको भागवत की तरफ से पुराने कर्ज के हिसाब की पहली किश्त मिल जाएगी। आगे आगे देखो होता है क्या। मैडम पेपर बोली। अपना टीवी ऑन कीजिए मैडम, टीवी पर आपकी हकीकत का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। आपने वो कहावत सुनी होगी, 100 सुनार की 1 लोहार की, और महाभारत में लिखा है कि जब जब भी धर्म की हानि होगी भगवान स्वयं अवतार लेंगे। अवतार हो चुका है। विशाल प्रदेश की हमारी मुख्यमंत्री साहिबा श्रीमती प्रियंवदा देवी के अनाचार और पाप का घड़ा भर चुका है, और मुझे खुशी हो रही है कलयुग के इस महाभारत का ऐलान करते हुए। और इस जंग की अगुवाई करेंगे हमारी पार्टी के युवा, हमारी यूथ विंग के नए प्रेसिडेंट करण प्रताप सिंह। राजनीति में रिश्ते नहीं, सिद्धांत महत्वपूर्ण होते हैं। लोकतंत्र में उसूलों की अहमियत होती है, उसूलों की कीमत होती है, भ्रष्टाचार की नहीं। प्रियंवदा देवी के वर्चस्व और उनके राज्य के पतन के समय का श्री गणेश हो चुका है। और अब मैं अपने युवा नेता और आपके बीच ना आते हुए सिर्फ ये कहूंगा कि लोग बदलाव चाहते हैं, विशाल प्रदेश बदलाव चाहता है। अपने 10 MLA के साथ करण प्रताप सिंह आज हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं, ये इस बदलाव का सबूत है। श्रीमती प्रियंवदा देवी की तानाशाही के अंत का बिगुल बज चुका है। आपके सामने भागवत के साथ करण प्रताप सिंह खड़े हुए हैं। पूछिए जो पूछना है, खुलकर पूछिए। करण सर, हमने सुना है कि आपको किसी दूसरी वजह से अपने घर से निकाला गया है। आपने क्या सुना है और क्या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, हाँ लेकिन अंदाजा जरूर लगा सकता हूं। मुझे नहीं पता था कि सत्ता की भूख और शासन पर अपना वर्चस्व बनाए रखने की होड़ में एक मां अपने बेटे की बलि चढ़ा सकती है। खैर, आपने जो कुछ भी सुना है वो सिर्फ कहानियां ही हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। ये बात आप सबसे छुपी नहीं है कि पिछले कुछ अरसे से हमारे घर के अंदर सत्ता का खेल खेला जा रहा है। लेकिन माइंड यू, ये जंग, ये लड़ाई किसी मां और बेटे की नहीं है, ये एक मां के राजनीतिक वजूद की है। वो अपने बेटे को अपनी छांव तो बनाना चाहती है, लेकिन उसे दरख्त बनते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि इस पार्टी में मेरा भी कोई योगदान है। वो शायद भूल गई कि आज वो मुख्यमंत्री हैं तो सिर्फ मेरी वजह से। खैर, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, आप लोग समझदार हैं, खुद ही समझ जाएंगे। और कुछ दिनों में उन्हें भी पता चल जाएगा कि करण प्रताप सिंह के बगैर प्रियंवदा देवी का कोई वजूद ही नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो होती कौन है मुझे अपने परिवार से, अपने खानदान से बेदखल करने वाली। अगर वो ये सोचती है कि वो मुझे अपने रिश्तों से बेदखल कर देगी तो गलत सोचती है। वीर प्रताप सिंह की विरासत पर
सिर्फ मेरा हक है और ये हक मैं किसी को छीनने नहीं दूंगा। और अगर मेरी माँ ये सोचती कि मुझे अपने रिश्तों से बेदखल करके वो मेरा राजनीतिक भविष्य बर्बाद कर देंगी, खत्म कर देंगी, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगी क्योंकि मैं करण प्रताप सिंह उन्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। आप लोग सब सच्चाई जानने आए तो सुनिए, हकीकत यह है कि मेरी मां मुझसे जलती है। मेरी बढ़ती प्रसिद्धि को देखकर उन्हें खुद अपने लिए खतरा नजर आ रहा है, इसलिए मैंने तय किया है अपनी मां की तानाशाही के खिलाफ मैं भागवत जी का समर्थन करूंगा। धन्यवाद। दोस्तों, इस खास मौके पर एक ऐलान और करना है मुझे। आने वाले आम चुनाव में हमारी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए मैं करण प्रताप सिंह के नाम की घोषणा करता हूं। आज की शाम करण के लिए। आज मैं बहुत खुश हूं करण, बहुत खुश। राजनीति में कभी कभी खुद की जीत पर भी इतनी खुशी नहीं होती जितनी दुश्मन को सह या मात देकर हासिल। यमुना देवी ने बहुत अपमान किया मेरा, बहुत हाथ उठाया मुझ पर मेरे अपने घर में। 6 महीने जेल काट कर आया उनकी वजह से। अब हम दोनों मिलके उनसे हर अपमान को बदला लेंगे। भागवत जी, आपने मुख्यमंत्री पद के लिए मुझे उम्मीदवार बना के जो मुझ में भरोसा दिखाया मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। आपने मेरा साथ उस वक्त दिया जब मेरे अपने परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया। बिल्कुल चिंता नहीं करना करण, बिल्कुल चिंता नहीं करना। अब हम दोनों मिलकर विशाल प्रदेश को वो नाच नचाएंगे, वो नाच नचाएंगे कि किसी ने आज तक नचाया नहीं होगा। एक बात कहूं? कही? श्वेता तुम्हें बहुत चाहती है। मैं जानता हूं भागवत जी, लव मैरिज हुई थी हमारी। एक बात और पूछूं भागवत जी, इस तरह बार बार मेरी परमिशन लेके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अब जो पूछना चाहते हैं पूछिए, अधिकार है आपको। उर्वशी और तुम्हारे बीच देखो बुरा मत कुछ था। नहीं भागवत जी, अरे कुछ नहीं था मेरे और भाग उनके बीच। उस दिन मंदिर में जो कुछ भी हुआ अचानक हो गया। It was an impulse. मतलब तुम्हारे और उर्वशी के बीच कुछ नहीं था? मतलब वो सब याना के दिमाग का फितूर था। बहुत जहर भरा उसने श्वेता के दिमाग में तुम्हारे खिलाफ। तो तुम चिंता मत करना, तुम अपनों के बीच में आ। Cheers. Cheers. ये cheers तुम्हारे और श्वेता की खुशी के नाम।
से जब मंदिर नहीं पहुंचा तो तुम्हें क्या जरूरत थी उर्वशी की मांग बनने की? भागवत जी, मैंने तो सोचा था कि एक विधवा की जिंदगी बन जाएगी। अंदर से भावनाओं का एक तूफान उठा था, लेकिन मुझे क्या मिला? इंसल्ट, इल्जाम और कुछ नहीं। मैं तो शुक्रगुजार हूं आपका, जो आपने वो तस्वीरें हमारे घर भिजवा दी। कम से कम उर्वशी और मां की असलियत मैं कभी जान ही नहीं पाऊंगा। वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, वो सुनील फोटोग्राफर और वो गांव वाला बनकर जो एक्टर वहां पहुंचा था, वो दोनों तो मेरे दोस्त थे। एक्टर? हाँ, वो गांव वाला अब जाए था। अरे मेरे कहने पे तो उर्वशी और तुम्हारे बीच जो कुछ भी जंगल में हुआ वो मैंने कराया था। पता है, वीर प्रताप सिंह को मारने के बाद मुझे लगा था कि मेरा रास्ता साफ हो गया। उनके मरते ही प्रियंवदा देवी और कुणाल प्रताप सिंह खड़े हो गए। प्रियंवदा देवी को उनको मारने का पूरा प्लान मेरा तैयार था, मगर वो सबोला तुम्हारा भाई कुणाल बीच में, तो उसका भी ऐसा काम तमाम किया कि लाश तक नहीं मिली। अरे तुमने भागवत को चप्पड़ लगा दिया, क्या हुआ? और क्या करता? क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? अरे जो काम आपने किया है तो वही तो मैं चाहता। आपने कुणाल भैया को अपने रास्ते से हटाने में इतनी देर क्यों की? किसका इंतजार कर रहे थे आप? जिस दिन आपने मेरे पिताजी को मरवा डाला था, अरे उसी दिन दोनों को खत्म कर दिया होता तो अरे मेरी कुंडली पर सांप बनकर बैठे थे कुणाल भैया। अच्छा किया जो आपने उन्हें मरवा डाला। बाबू जी, आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, शायद पूरी जिंदगी धोखे में निकल जाती। चेस। Yeah. आपने मुझे बचा लिया भागवत जी। अब भगवान है, आप भगवान है। पता नहीं आपका ये कर्ज कैसे उतार पाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है भाई, कोई जरूरत नहीं। श्वेता को मुझसे कौन बचाएगा? आगे आगे देखो होता है क्या।
मां, मां मेरी वजह से तुम्हें जो भी दुख पहुंचा है उसके लिए मुझे माफ कर देना। मां मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा बेटा हूं और जिंदगी भर कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से तुम्हारा सर शर्मिंदगी से झुक जाए। जब तुमने मुझे घर छोड़ने को कहा मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। मैं जानता हूं अपने बेटे को अपने दिल से दूर करने का फैसला तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। मैं जानता हूं कि मुझे भागवत के साथ खड़ा देखकर तुम पर क्या बीती होगी, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसका मकसद तुम्हें ठेस पहुंचाना नहीं है बल्कि भागवत जैसे दरिंदे के चेहरे पर चांद नकाब हटाना है। बहुत जल्द, बहुत ही जल्द दुनिया के सामने भागवत और श्वेता की कलाई खुल जाएगी। तुम्हारा त्याग और अपने इस परिवार के लिए तुम्हारी तपस्या बेकार नहीं जाएगी। मां आशीर्वाद दो मां के तुम्हारा ये बेटा सफल हो। कहना कि मैं यहां आया था, मैं बहुत ही जल्द साबित कर दूंगा कि ना तो कोई विशाल प्रदेश को तोड़ सकता है ना हमारे परिवार को।